Welcome students in Sanskar online classes. In our previous class we have read about some other usage of past indefinite tense, and today also we are going to read about some usage of past indefinite tense. पिछली क्लास में आपने पढ़ा था इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम. आफ्टर दीज वर्ड्स वी यूज पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एंड फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस वी यूज पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, एंड वुड इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस. इन सब चीज़ों के बारे में आपने सीखा है अपनी पिछली क्लास में. अब देखो कहाँ यूज होता है. यूज्ड फॉर सिचुएशंस दैट यूज्ड, नेक्स्ट यूज है यूज्ड फॉर सिचुएशंस दैट रिलेटेड टू पास्ट टाइम. यूज्ड फॉर सिचुएशंस दैट रिलेटेड टू पास्ट टाइम, पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नाइट, सी वॉज वेरी इल, अब देखो ये सिचुएशंस पास्ट टाइम की सिचुएशंस हैं. इस प्रकार के सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनेट यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूज है इन सपोजिशनल सेंटेंसेज. इन सपोजिशनल सेंटेंसेज वी यूज पास्ट इंडेफिनेट. और कौन से सपोजिशनल सेंटेंस, कौन से सम, देखो दैट स्टार्ट्स विथ, दैट स्टार्ट्स विथ इफ, if, as if, if only, if only, I wish, we wish, etc. In suppositional sentences that starts with if, as if only, I wish और वी विश, इन सब वर्ड से यदि सपोजिशनल सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में भी पास्ट इंडेफिनेट यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई वर द चीफ मिनिस्टर Chief Minister of Rajasthan. अब देखो ये सपोजिशनल सेंटेंस, ये सपोज, इसमें सपोज किया जाए कि यदि मैं ये होता तो देखो इसमें आई विश और ये वर्ड यहां भी है, देखो आई विश. इन सपोजिशनल सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ आई विश, तो ये आई विश से शुरू हो रहा है और यहां अपन ने क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिटली बी वर्ब होती है. ओके okay, और इसका पास्ट होता है वॉज और वर. नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया I would solve the problem of Kashmir.
इन प्रकार के सपोजिशनल सेंटेंसेज में भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूज देखो, इन इनडायरेक्ट स्पीच. इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन एंड रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. अब देखो, ये तो वही रूल है. पास्ट इंडेफिनेट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है. इन प्रकार के सेंटेंसेज में भी पास्ट इंडेफिनेट यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड ही सैड I want to read a novel. अभी एग्जाम में ऐसे पूछ ले, ही सैड दैट He blank to read a novel. अब देखो, ये said that you जो है, it means sentence indirect का है. अब ये change किया हुआ indirect में. देखो यहाँ पे he said that, अब ये I भी, ये आगे की बात narration में पढ़ेंगे, इसके according change हो क्या है यहाँ पे he में. But देखो condition क्या थी, reporting verb in past tense and reported speech in present indefinite tense. तो यहाँ past indefinite ही आएगा. तो यहाँ ये want है, इसकी second form आएगी wanted. इस टाइप के sentences में भी past indefinite यूज होता है. नेक्स्ट यूज, if any action is running in past time, completed during that time with this action we use past indefinite tense. अब देखो क्या है ये रूल, इफ एनी एक्शन इज रनिंग इन पास्ट टाइम, कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है, रनिंग है, एंड एनी अदर एक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसी समय कोई दूसरी एक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट यूज किया जाएगा.